नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के कॉपी के सभी ऑप्शंस के बारे में। आप देखेंगे यहां पर क्लिपबोर्ड के अंदर आपके ऑप्शंस है कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर या फिर पेस्ट के जितने भी ऑप्शंस इसके अंदर होते हैं, उन सभी ऑप्शंस को हम आज क्लियर करने वाले हैं कि किस ऑप्शन का क्या यूज होता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा कट का, जो सीजर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है? इस ऑप्शन का यूज होता है आप किसी भी डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एनुअल सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ से कट किया। कट करने के बाद मैं इसको अगर कहीं मूव करना चाहता हूँ तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो पेस्ट करते ही वो डेटा मेरा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी वो डेटा यहाँ से हट करके दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ये होता है हमारा कट ऑप्शन का यूज। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर कॉपी का। कॉपी का यूज क्या होता है? कॉपी बेसिकली किसी भी डेटा को कॉपी करता है और सेम एज इट इज उस डेटा को किसी अनदर प्लेस पर पेस्ट कर देता है। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए हमने नेम्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से नेम को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद जिस भी प्लेस पर मुझे इसको पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका ये डेटा यहाँ से मूव होकर के दूसरी जगह पर पेस्ट हो चुका है। यही था हमारा कॉपी का ऑप्शन। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक और डेटा है आपका कॉपी एज पिक्चर का। अब ये कॉपी एज पिक्चर क्या काम करता है? तो इस डेटा को हम वापस से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं कॉपी एज पिक्चर। कॉपी एज पिक्चर यूज करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज शोन ऑन स्क्रीन, यानी ये जो डेटा है हमारा वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बिटमैप भी एक पिक्चर ही होती है और पिक्चर हमारा ऑलरेडी जेपीजी फाइल होती है, ये एक तरीके से जेपीजी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको उसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहला ऑप्शन यूज किया हुआ है और उसके बाद हम फॉर्मेट के अंदर भी पिक्चर का ऑप्शन यूज करेंगे और उसके बाद कर देंगे सिंपली इसको ओके। ओके करने के बाद आपको पेस्ट का यूज करना पड़ेगा। पेस्ट का यूज करने के बाद आप देखेंगे आपका ये डेटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, यानी कि ये एक पिक्चर बन चुकी है। इसको आप इजिली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन है कॉपी के अंदर वो है बिट मैप का। बिट मैप को सिलेक्ट करके जैसे हम इसे ओके करेंगे और सिंपली पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बिट मैप का भी जो वर्क था बिल्कुल डिक्टो कॉपी का, वो भी सेम यही काम कर रहा है। आप देखेंगे इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों का ही काम सेम है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर की, तो फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? तो फॉर्मेट पेंटर बेसिकली ये किसी भी स्टाइल को कॉपी कर लेता है और कॉपी करने के बाद जिस भी डेटा पर हम इसे पेस्ट करेंगे वो उसको अपने जैसा बना देता है। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। आपको सिंपली करना क्या होगा, मान लीजिए हमने सैलरी पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही किसी अदर डेटा पर यहाँ पर क्लिक करेंगे होगा क्या, इसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो दूसरे डेटा पर पेस्ट हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर सैलरी में जो बैकग्राउंड में कलर था वो कलर आप देखेंगे कमल के बैकग्राउंड में कलर आ चुका है। अगर यहाँ पर बोल्ड होता, इटैलिक होता या अंडरलाइन होता या जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसके अंदर कर रखी होती वो सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको पेस्ट कर देता। तो ये था हमारा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। अब हम बात करते हैं पेस्ट के सभी ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इन डेटास को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अब हम बाकी पेस्ट के सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि पेस्ट के सभी ऑप्शन तभी काम करते हैं जब आप एक बार कॉपी का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी का यूज करते हैं। कॉपी का यूज करने के बाद अब हम अनदर प्लेस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं पेस्ट वाले ऑप्शंस पर। अब पेस्ट के ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सभी ऑप्शंस का यूज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक एक ऑप्शन का यूज क्या होता है और ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शंस है। मोस्टली लोगों को कट, कॉपी, पेस्ट ही आता है। इसके अंदर जितने फंक्शंस है अगर आप इसका यूज करते हैं अपने ऑफिस के अंदर तो आप एक स्मार्टनेस वर्क करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके पेस्ट के सभी ऑप्शन का यूज देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है पेस्ट का। सबसे पहले हम सेल्स में यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं कॉपी करने के बाद और पेस्ट में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन यूज करते हैं, ये वाला पेस्ट वाला। अब ये पेस्ट सिंपल क्या काम करता है, ये पेस्ट हमारे डेटा को एज इट इज कॉपी करके अनदर प्लेस पर पेस्ट कर देता है। यहाँ देखेंगे हमारा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसको अगर मैं यहाँ पर सेल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करूँ यानी एडजस्ट करूँ तो सेम एज इट इज डेटा हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो ये तो एक सिंपल फॉर्मेट था जो हर किसी को आता है। इसके बाद के ऑप्शन बहुत ही कमाल के ऑप्शन हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या काम करता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इस डेटा को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है मल्टीप्लाई का, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम डेटा को पूरा सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं पेस्ट वाले ऑप्शन पर। पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सेकंड ऑप्शन हम यूज करेंगे फॉर्मूला का। फॉर्मूला का सेकंड ऑप्शन यूज करते ही यहाँ पर होगा क्या, आप देखेंगे
यहाँ पर जितना भी हमने फॉर्मूला जो लगाया था, यानी जो हमने इनटू का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया हुआ है एनुअल सैलरी के लिए, वो फॉर्मूला सब में पेस्ट हो चुका है। यानी हम किसी फॉर्मूला को एक प्लेस से अनदर प्लेस पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहें तो कंट्रोल डी करके भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का जो यूज है वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, वो किसी वैल्यू को पेस्ट नहीं कर रहा है, वो किसी फॉर्मूला को पेस्ट कर रहा है। के बाद का जो ऑप्शन है हमारा वो फॉर्मूला एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग का है। यानी फॉर्मूला एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग क्या काम करेगा, इसके लिए भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डेटा को वापस से हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी का यूज करेंगे। कॉपी का यूज करने के बाद अनदर प्लेस पर क्लिक करेंगे। अनदर प्लेस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से तीसरा ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जब हमने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारी जो नंबरिंग फॉर्मेटिंग थी वो एक्यूरेट पोजीशन में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि जो हमारी नंबरिंग फॉर्मेटिंग थी वो आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट वही आ रही है जो कि हमारे पहली वाली टेबल के अंदर थी। यानी जो पहले वाला ऑप्शन हमने यूज किया था उसके अंदर नंबर फॉर्मेटिंग नहीं था, यहाँ पर देखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग भी आ गई है, लेकिन फॉर्मेट को इसने वापस से क्लियर कर दिया है। तो यही था डिफरेंस हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हम डेटा को फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैं आपको लास्ट में एक ऑप्शन जरूर बताऊंगा पेस्ट स्पेशल का। ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है जिसको यूज करने के बाद आप कहेंगे वाओ। तो चलिए पहले हम इन सभी ऑप्शंस को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं लास्ट में आपको पेस्ट स्पेशल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी के, इसकी जो शॉर्टकट की है वो के है। आप देखेंगे यहाँ पर जिस भी ऑप्शन पर हम क्लिक कर रहे हैं उसके ऑप्शन के आगे हमारी शॉर्टकट की रिप्रेजेंट हो रही है। एक्चुअल में ये शॉर्टकट की हॉटकी कहलाई जाती है और इस हॉटकी का यूज कैसे किया जाता है मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। अगर आप माउस का यूज नहीं करना चाहते और अपने कीबोर्ड से इन ऑप्शंस का यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट की। ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखेंगे जितने भी ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं ये सारी हॉटकीज हैं। यानी इनमें से अगर हमें होम टैब ओपन करना है तो होम टैब के लिए हमें यहाँ प्रेस करना होगा एच। तो हम जैसे ही यहाँ पर ऑल्ट दबा करके एच प्रेस करेंगे, एच प्रेस करते ही हमारे सामने हॉटकीज सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। अब जिस भी ऑप्शंस को हमें ओपन करना होगा उस ऑप्शन की हमें हॉटकी यूज करनी होगी। तो हमें ऑप्शन यूज करना है पेस्ट का, तो पेस्ट के अंदर आप देखेंगे वी हमारी इसकी शॉर्टकट की है। तो इसके लिए हम यहाँ पर वी का यूज करेंगे, यानी ऑल्ट एच वी का यूज करेंगे। वी का यूज करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन सभी की हॉटकीज यहाँ पर शो हो चुकी है। यानी इनमें से जो भी वर्ड आप दबाएंगे, जो भी वर्ड आप प्रेस करेंगे वो आपका ऑप्शन यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली हॉटकीज होती हैं जिनका यूज हम अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। बिना माउस का यूज किए बिना हम इन सभी ऑप्शंस का यूज भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो चलिए ये तो एक एक्सटर्नल ऑप्शन था, ये तो एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। हम बाकी का चैप्टर कंप्लीट करते हैं, बाकी के जो भी ऑप्शंस हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी इसकी शॉर्टकट की हमने बताई के है। तो ये जो काम करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट पेस्ट वाला काम करता है। इसमें और हमारे पेस्ट वाले ऑप्शन में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हम डेटा को फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद अनदर प्लेस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नो बॉर्डर का। अगर हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो डेटा पेस्ट हुआ है वो विदाउट बॉर्डर पेस्ट हुआ है। हमने जो पहली टेबल बनाई थी उसके अंदर हमने इसको बॉर्डर में बंद कर रखा है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे वो डेटा हमारा पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो चुका है लेकिन विदाउट बॉर्डर, इसने बॉर्डर को रिमूव कर दिया है। तो इस ऑप्शन का यूज किया था, ये बॉर्डर को रिमूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमने डेटा को पहले से ही कॉपी करके रखा है, अनदर प्लेस पर हम क्लिक करके रखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कीप सोर्स कॉलम विथ फॉर्मेटिंग, यानी कि एक तरीके से जब हमने इसको सिलेक्ट किया यानी इसको हमने कॉपी करके पेस्ट किया तो एज इट इज डेटा को ये कॉपी करके पेस्ट करता है, लेकिन इसमें एक फायदा हमारा और हो जाता है। उसका हमारा ये जो फायदा हो जाता है वो ये हो जाता है कि इसकी जो विथ होती है वो ऑटोमेटिकली इसको मैनेज कर लेता है। अभी तक हमने जितने भी कॉपी पेस्ट के ऑप्शन यूज किए थे उसके अंदर हुआ क्या था, हमारे डेटा कॉपी करके पेस्ट तो हुआ था लेकिन उसकी जो विथ थी वो हमें खुद से बढ़ानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वो विथ को ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा और मैनेज करने के बाद हमारा डेटा सेम एज इट इज अनदर प्लेस पर पेस्ट कर देगा। तो इस ऑप्शन का यूज क्या था, इस ऑप्शन का यूज था किसी भी डेटा को कॉपी करके हम अनदर प्लेस पर जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद हमारी जो कॉलम की विथ होती है वो उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद कंट्रोल जेड करके हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन है आपका वो है ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या काम कर रहा है, ये ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करता है और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देता है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस लिए यूज किया जाता है, देखिए जो भी डेटा हम तैयार करते हैं
वो या तो डेटा हॉरिजॉन्टली होता है या तो डेटा हमारा वर्टिकल होता है, यानी एच लुकअप और वी लुकअप आपने फंक्शन जरूर यूज किया होगा। अगर हमारा डेटा वर्टिकल होता है तो उसके ऊपर हम वी लुकअप का फंक्शन यूज करते हैं, और अगर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल होता है तो हम उसके ऊपर एच लुकअप का यूज करते हैं। इसकी वीडियोज मैंने पहले बना रखी है, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियोज को यहाँ से देख सकते हैं। ये भी एमएस एक्सेल का एक पावरफुल फॉर्मूला है जो कि आपको आना चाहिए। बिना एच लुकअप और वी लुकअप के आप एमएस एक्सेल के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान सकते, क्योंकि एच लुकअप और वी लुकअप बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है एमएस एक्सेल का, जो हर एक कंपनी के लिए यूजफुल है और हर एक कंपनी इसको यूज करती है। तो चलिए, ये तो था हमारा डेटा। आप देखेंगे यहां पर इसने क्या किया, इस डेटा को हमने कॉपी किया और अनदर प्लेस पर जैसे ही पेस्ट किया तो ये हमारा जो डेटा था अभी वर्टिकल में था, उसने इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देखेंगे सीरियल नंबर आपका यहां पर है और नेम आपका यहां पर है, तो यहां पर आप देखेंगे वर्टिकली है हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, और यहां पर आप देखेंगे सीरियल नंबर और नेम हमारा हॉरिजॉन्टली आ गया। इसी तरीके से अगर आपके पास जो डेटा है अगर वो हॉरिजॉन्टल है और आप इसे वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको सेम इसको कॉपी करना होगा और अनदर प्लेस पर क्लिक करने के बाद जहां भी आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं वहां पर जाकर के आप इसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ये जो डेटा था हॉरिजॉन्टल था इसको वर्टिकल में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो था बहुत बेहतरीन फंक्शन। तो ये किसी भी डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला फंक्शन है ट्रांसपोज। तो चलिए, इन ऑप्शंस का हमने बेहतरीन तरीके से यूज सीख लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस डेटा को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट वैल्यू की। तो पेस्ट वैल्यू बेसिकली क्या काम करता है, पेस्ट वैल्यू हमारा डेटा को पेस्ट करता है और एज इट इज डेटा को हमारे पेस्ट कर देगा, लेकिन इसमें से फॉर्मूला को वो क्लियर कर देगा। फॉर्मूला क्लियर करने का मतलब ये कि आप देखेंगे एनुअल सैलरी के अंदर हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है इनटू का, यहाँ पर आप देखेंगे एनुअल सैलरी के अंदर कोई भी फॉर्मूला हमारा शो अप नहीं हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ बोनस के अंदर 3% 2% हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप देखेंगे हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ, इसने क्या किया, इसने इस डेटा के जितने भी फॉर्मूले थे उन सभी फॉर्मूलाज को रिमूव करके उसे एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारा सिंपल यूज पेस्ट वैल्यू का। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है मैं उसे आपको यूज करके दिखा देता हूँ। डेटा को हमने फिर से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉपी का यूज करना है, कॉपी का यूज करने के बाद अनदर प्लेस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो नाम है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी ये क्या काम करेगा, वैल्यू में तो कन्वर्ट करेगा साथ के साथ नंबर फॉर्मेटिंग को भी ये मैनेज करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारी नंबर की फॉर्मेटिंग थी एज इट इज वही नंबर की फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसकी शो अप हो रही है, और साथ के साथ इसने क्या किया है, फॉर्मूला को भी क्लियर कर दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर कोई जो हमने फॉर्मूला मल्टीप्लाई का यूज किया था उस फॉर्मूला को इसने यहाँ से क्लियर कर रखा है। तो ये था हमारा नंबर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हम उसको यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, वापस से कॉपी करना है, अनदर प्लेस पर क्लिक करना है और यहाँ जाना है वापस से नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब ये वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग क्या काम कर रहा है, ये वैल्यू में तो कन्वर्ट कर ही रहा है लेकिन साथ के साथ इसकी सोर्स फॉर्मेटिंग भी ले रहा है, यानी इसके अंदर आप देखेंगे हमने जो भी फॉर्मेट का यूज किया हुआ है वो फॉर्मेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने मैनेज कर दिया और साथ के साथ इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट कर रखा है। यानी इसके जितने भी आप तीनों ऑप्शंस का अगर आप यूज करेंगे तो इन तीनों ही ऑप्शंस का यूज है कि ये डेटा को वैल्यू में कन्वर्ट करेगा यानी फॉर्मूला को रिमूव करेगा। एक ऑप्शन है आपका जो कि नंबर फॉर्मेटिंग को मैनेज करता है और दूसरा जो ऑप्शन था वो आपके फॉर्मेटिंग को भी मैनेज करता है, यानी कलर्स स्टाइल फॉन्ट स्टाइल्स इन सभी को भी मैनेज करता है, मैनेज करने के बाद उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीनों ऑप्शंस का यूज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस डेटा को यहाँ से वापस से क्लियर कर लेते हैं, डेटा को हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी करना है और इसके बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेटिंग, यानी कि जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करके फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या, वो उस डेटा की वैल्यू को छोड़ करके उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब आप देखेंगे इसका जो भी फॉर्मेट था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, इसका बॉर्डर भी आ चुका है, इसके कलर का फॉर्मेट भी आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो एज इट इज यहाँ पर ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपका जो डेटा है उस डेटा की फॉर्मेटिंग आप किसी और डेटा में करना चाहते हैं तो आपको सिंपल इस ऑप्शन का यूज करना होगा। आप इस ऑप्शन की मदद से अपने डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और किसी अदर शीट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक बहुत ही कमाल का फंक्शन है। पेस्ट लिंक आखिर में करता क्या है, तो पेस्ट लिंक एक तरीके से लिंक जनरेट कर देता है उस टेबल से इस टेबल के बीच में।
यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम कोई भी फॉर्मेट को चेंज करेंगे, यहाँ पर हमने मैनेजर की जगह अकाउंटेंट ले लिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंटेंट चेंज हो गया। यानी इस डेटा के सोर्स में से हम जिस भी डेटा को चेंज करेंगे वहां पर वो डेटा ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, 18,000 की जगह मैंने यहाँ ले लिया 12,000। 12,000 लेने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो। यानी आपने एक डेटा को दूसरे डेटा से लिंक कर रखा है, आप ओरिजिनल डेटा के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे, आपने जो कॉपी किया हुआ डेटा होता है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। तो ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, इसको फिलहाल हम कंट्रोल जेड करके यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो है पेस्ट एज पिक्चर। अब ये क्या काम करता है, ये बेसिकली हमारे डेटा को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। आप देखेंगे इस पिक्चर को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद इसको उठा करके कहीं पर भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो चेंजेस नहीं हो पाएगी। आपने अगर इसके अंदर किसी भी डेटा के अंदर चेंजेस किया तो इसमें आप वापस से इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको वापस से कॉपी करके पेस्ट पिक्चर करना होगा। अब ये ऑप्शन करता क्या है, आपके डेटा को एक पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। इस डेटा के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा पिक्चर स्टाइल्स का। यहाँ से आप जाकर के कोई भी स्टाइल इसके अंदर यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे बेहतरीन स्टाइल्स हैं जिनका आप यूज करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने के बाद अब इस डेटा में आप चेंजेस नहीं कर सकते, इस डेटा को एज इट इज एक फॉर्मेट के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं। तो है बहुत कमाल का फंक्शन, यानी इसने भी आपके डेटा को क्या किया, एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अलावा हम एक ऑप्शन का और यूज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। हमने डेटा को वापस से कॉपी करना है, अनदर प्लेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो पेस्ट पिक्चर लिंक है, यानी लिंक्ड पिक्चर है। अब इसका क्या यूज है, अभी लिंक का क्या काम है, लिंक का काम आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये क्या काम करेगा। अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली क्या काम करेगा। पिक्चर में तो ये कन्वर्ट रहेगा, लेकिन इसके अंदर चेंजेस की जा सकती है, लेकिन आप इसके अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जब भी आप किसी ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंजेस करेंगे, यहाँ देखेंगे आपकी पिक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएगी। यानी अब इस पिक्चर के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो आपको अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर से यहाँ पे मैनेज करना, यानी आप अपने ओरिजिनल सोर्स पर जो भी चेंजेस करेंगे इस पिक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएगी। और तो इसके अलावा अगर आप इस पे डबल क्लिक करके पिक्चर टूल लेकर के इसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। और मैनेज करने के बाद अब इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप डेटा में चेंजेस करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डेटा मैनेज होता चला जाएगा। तो ये तो थे हमारे सारे पेस्ट के सभी ऑप्शंस। अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन और सबसे वैल्यूबल ऑप्शन की, यानी पेस्ट स्पेशल की। अब ये पेस्ट स्पेशल क्या है, यानी इस पेस्ट में स्पेशल क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये पेस्ट में स्पेशल क्या है। नेक्स्ट शीट पर आप देखेंगे हमने पहले से ही कुछ डेटा तैयार किया हुआ है। इस डेटा के अंदर आप देखेंगे हमने कुछ नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं और कुछ नाम हमने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बीच में कुछ ब्लैंक सेल्स छोड़े हुए हैं। अब इन ब्लैंक सेल्स का होना क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी के बाद सिंपली इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो पेस्ट करने से होता क्या है कि हमारे जो ब्लैंक सेल है ये भी यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस डेटा को जब भी मैं कॉपी करूँ और इसके ऊपर पेस्ट करूँ, हमारा जो मोहन है मोहन की जगह पर यहाँ पर पंकज आ जाना चाहिए, यानी नाम रिप्लेस हो जाना चाहिए, और यहाँ पर आदित्य की जगह पर यहाँ पर नमन आ जाना चाहिए, पवन की जगह पर यहाँ पर करण आ जाना चाहिए, और बाकी ये जो दो नाम है ये दो नाम यहाँ पर एज इट इज होने चाहिए, यानी इनकी रिप्लेसमेंट ना हो क्योंकि इनकी जगह पर ब्लैंक सेल्स हैं। तो ये काम हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये काम हम लोग करेंगे पेस्ट स्पेशल से। तो डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, कॉपी इसकी कर चुके हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पर, यहाँ पर जाना होगा आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर, और पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे आपके पेस्ट के कुछ सेटिंग्स हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, जिसमें हम इस फॉर्मेटिंग को किस जगह पर यूज करना चाहते हैं, किन किन जगह पर यूज करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे ऑल यानी कि फॉर्मूला, यानी आप फॉर्मूला पर भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वैल्यू के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर्मेट के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, कमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं, और वैलिडेशन के ऊपर भी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है ऑपरेशंस का। अब ये ऑपरेशन वाला ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है, तो इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये स्किप वाला ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ, इसके ब्लैंक वाला जो मैंने आपको अभी बताया। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना होगा। ओके करने के बाद होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने सिंपली स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पर जाकर के हमने डेटा को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा था वो रिप्लेस हो चुका है। आप देखेंगे पंकज यहाँ पर
पंकज आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे कमल, दीपक जो कि ब्लैंक सेल था वो यहाँ पर शो हो गया और नमन की जगह पर और करण की जगह पर ये रिप्लेसमेंट हो चुकी है। ये था हमारा स्किप ब्लैंक फंक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेशंस के अंदर, अब ऑपरेशंस का क्या क्या यूज है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑपरेशंस का क्या यूज है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर हमने कुछ सीरियल नंबर लिए हुए हैं, स्टूडेंट्स के नेम लिए हुए हैं और यहाँ पर हमने कुछ हिंदी के मार्क्स लिए हुए हैं, इंग्लिश के मार्क्स लिए हुए हैं, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के मार्क्स लिए हुए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने ग्रेस देनी है इन सभी बंदों को, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ग्रेस देना चाहता हूँ 10 नंबर का। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ग्रेस वाले ऑप्शन को एक बार कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा जिस जिसको आप ग्रेस देना चाहते हैं, उन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा पेस्ट वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेना होगा ऐड वाला ऑप्शन। आप क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके इन सभी ऑप्शन का यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे ऐड वाला ऑप्शन, तो हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी वैल्यूज ऐड हो चुकी हैं। पहले मैं आपको कंट्रोल सेट करके दिखा देता हूँ। पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमारी 65 है, 72 है, 87 है और जब 10-10 नंबर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यूज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैं इसको एक बार वापस से आपको करके दिखाता हूँ। पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर सिलेक्ट करिए पेस्ट स्पेशल, यहाँ से ऐड को सिलेक्ट करिए और कर दीजिए ओके। आप देखेंगे यहाँ 65 की जगह 75 हो गया, तो यानी कि हमने 10 नंबर की क्रिएस यहाँ पर ऐड कर दी है। आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सब्सट्रैक्ट का, यानी आप 10-10 नंबर डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी माइनस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट का यूज करिए, सब्सट्रैक्ट पर क्लिक करिए और सिंपल ओके कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 75 की जगह वापस है 65 हो गया, 72 हो गया, 87 हो गया, 10 नंबर यहाँ पर माइनस हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वापस से पेस्ट स्पेशल पर जाइए और यहाँ पर आप यूज करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके ओके करिए। यहाँ देखेंगे आपकी वो वैल्यूज 10 से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इसके बाद एक डिवाइड का ऑप्शन है, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से चले जाइए डिवाइड वाले ऑप्शन पर और जैसे ही आप इसे ओके करेंगे ये वापस से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही बेहतरीन फंक्शन पेस्ट स्पेशल का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।